हमें तुमसे प्यार कितना जो लास्ट मैंने अभी सिखाया परसों, उससे भी ये आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है। रे से स्टार्ट है तो डी कॉर्ड मैंने ली है, पहले है म्यूजिक, पम गम रे, बड़ा ही सिंपल, आप चाहे यहां भी बजा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी आवाज बढ़ा दूं क्या यहां पर? ठीक है। अब कॉर्डिंग देखो, रे ध ध पम गम रे, मतलब डी कॉर्ड, एक ही बार बजाना डी कॉर्ड, डी मतलब रे और ध, ठीक है, डी कॉर्ड। रे ध ध पम गम रे ध ध पम गम रे। नेक्स्ट है सा प प म ग रे ग सा, सा प प म ग रे ग सा, ये बड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। सा प प म ग रे ग सा, सा प प म ग रे ग सा, सा म ग रे। और कोई नए ये गाना सुनने वाले ऐसे कोई यूजर्स होंगे जो पहली बार देख रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा हो, या उन्होंने ये गाना ही नहीं सुना, तो मैं सबको दरख्वास्त करूंगा, थोड़े से अपर एज वाले, जैसे जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 50 चालू है, 55 चालू है, उनको लगता है कि ये गाने ऐसा नहीं होता, ठीक है। नए गाने भी बहुत ज्यादा कातिल गाने, बहुत ज्यादा जबरदस्त, ठीक है, आपको आपके दिल को छू जाएंगे, तो ये सुन सकते हैं। मैं ऐसे चुनिंदा ही गाने लाऊंगा, ऐसे कुछ भी बचकाने गाने, ब्लू है पानी पानी, ऐसा नहीं सिखाने वाला, ठीक है। ये ऐसे फालतू के जो गाने होते हैं, गेंदा फूल वगैरह, वो कोई किसी काम की गाने नहीं है, गाने चाहिए जो सही में पकड़ बनाए एक तरह से, ठीक है। तो इसका कोई क्रिटिक नहीं कर सकता, इस गाने के कोई रोस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो पागल होगा अगर कोई रोस्टिंग कर रहा होगा। तो ये गाने ही ऐसे हैं, मैंने देखे कि कुछ कुछ गानों के लोग बहुत खिल्ली उड़ाते, तो वो होती ही उस लायक, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कोई गाने हैं इस तरह के, ये बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, और जिसको हम कहेंगे रियल म्यूजिक, ये असली संगीत है, ठीक है। तो ये पहली लाइन हो गई थी, रे ध ध प म ग म रे, और एक ही बार डी कॉर्ड बजाया, मतलब डी शार्प, ठीक है, डी शार्प कॉर्ड है ये, डी शार्प कॉर्ड के लिए रे ध बजाया। देन है सा प प म ग रे ग सा, ठीक है, सा प प म ग रे ग सा, उसके लिए सी शार्प कॉर्ड बजाई एक ही बार, और लास्ट में है नी के नीचे डॉट और अंडरलाइन है, तो नी सा म ग रे, तो नी के लिए मैंने बजाया बी कॉर्ड। ये बहुत इजी गाना था, इसलिए मैंने आपके लिए लाया जल्दी से जल्द, क्योंकि 11th नंबर से, मतलब 10 गाने अब जब हमारे हमारे हो जाएंगे, तो 11वां जो गाना होगा वो बहुत ज्यादा मैं मुश्किल देने वाला हूँ, आप देखना। फिर मैं यहाँ पे दिखा था आपको कैसे होता है, लेकिन वो उससे कॉपीराइट हो जाएंगे, इसलिए फिर मैं, मेरे को देना नहीं, ठीक है। नी के वक्त है बी कॉर्ड, प्लेन बी, ठीक है, बी मतलब कोमल, नी के नीचे डॉट और म, नी सा म पर सी शार्प आया, म ग रे पर डी शार्प आया, ठीक है, आखिरी लाइन में तीन कॉर्ड बैठ रही है। अब चेक करो फिंगरिंग, मैं फिंगर स्ट्राइक कैसे बजाता हूँ, यहां पर मैंने रे पर मिडल फिंगर रखा हुआ है, तो नहीं सॉरी, कौन सा रखा है, ये रखा फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर नहीं, फर्स्ट फिंगर रखा है रे, और थर्ड फिंगर ध पर है, रे ध ध प म ग म, ये तीन उंगलियों से किया, प म ग म थंब से, प म ग म, और फिर क्या किया देखो, और फिर फर्स्ट फिंगर से रे लिया, समझ गए। अब देखो यहां पर कैसी फिंगरिंग है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, और 8 मिनट हो गए दोस्तों, सोचो 7 से 8 मिनट हो गए सिर्फ म्यूजिक में, क्योंकि ये बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको 5 मिनट में निपटाना है गाना, जो कि बहुत इजी है, सारी लाइन कॉपी है, याद रखिएगा, रे डॉट, मेरा गाना यहाँ पे चालू है ना बीच वाले पट्टे पे, तो यहाँ पे डॉट वाला रे, तेरे जाने का और ना
सेम है। सारी लाइन कॉपी कैसे देखो, रे सानी धा, रे सानी धा, सब कॉपी चल रहा है। रे पे डी शार्प है, रे सा, तो रे पे बजाना नहीं है, सिर्फ प्ले करना है यहाँ पर राइट हैंड, मतलब टैब्स चल रहे हैं लेकिन कॉर्ड नहीं आ रही। देखो रे सानी, रे सानी, नी पर आया बी कॉर्ड पहली बार, रे सानी धा, धा पर आया डी शार्प, रे सानी, डॉटेड है, ये वाले रेसा नहीं, ये वाले बजा रहा हूं, रेसा नी सानी धा। अब लास्ट टाइम जब रेसा नी सानी धा आएगा तब सी शार्प वाली, रेसा नी सानी धा, पा मा पा पा धा, समझ गए, रेसा नी सानी धा, पा मा पा पा धा। आखिरी वाली लाइन पे, तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम पर गया मैं, फिर जमाने का गम क्या करे, समझ गए। अब सारी अगली तीन लाइन सेम, राह देखे नजर, रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले, पर तेरी तो खबर ना मिले, बिल्कुल उस लाइन की तरह है जैसे पहले बजाया, ठीक है। फिर जमाने का गम क्या करे, तो यहां आया हुआ है पर तेरी तो खबर ना मिले, समझ गए। ओके, अब आया खतरनाक वाला पार्ट, मगर इस बार, समझ गए। अब देखो दादा सा गम गरे, ध पर है डी शार्प, गम के बाद जो गा है उस पर डी शार्प बजाए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बजाए, ग हो गया, धा धा पा नी धा मा गा, धा धा पा नी धा मा गा, नी कोमल है, यहाँ पर बी कॉर्ड है, धा धा पा नी धा मा गा, मा मा पा मा गा रे, सब कुछ सिखा दिया मैंने। अब इसको बजाने का और पढ़ने का और गाने का तरीका देख लो एक बार, फिर म्यूजिक जाएगा, ओके। अब ये म्यूजिक आप कहीं पर भी बजा सकते हैं, इतना दूर भी बजा सकते हैं। कहीं पे भी प्ले कर सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है किस पट्टे में मैं प्ले कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब यहां से चालू हो गया अंतरा, ठीक है। अब 5 मिनट में अंतरा निपटा देते हैं, अब एक अंतरा सीखा तो दूसरा सीख जाओगे, तो पहला अंतरा चालू करते हैं। अगर गलत लग गई, एक बटन दब गया आपका होता होगा, तो पूरा धींगाना हो जाएंगे, ठीक है। ध ध नी सा, सा पर बी कॉर्ड है, रे सा नी ध प, प पर सी शार्प है, प प ध नी, नी पर बी कॉर्ड, रे सा नी ध ध, आखिरी वाली ध पर डी शार्प। अब ये रिपीट है, यहाँ क्या मतलब सेम, ध ध नी सा,
यहां से बजाना है। ये जो है हमें पूछो क्या होता है, ये पूरा कॉपी है, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, आप सीख चुके, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट प्ले करूंगा। बिना दिल के जिए जाना, बिना दिल के जिए जाना, समझ गए? कॉपी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा जो अंतर है, उसके पहले आ गया कि म्यूजिक, यूनिक टाइप का, वो म्यूजिक भी आप सीख लो। पता नहीं, शायद किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये म्यूजिक सिखाया होगा, इस गाने में ये म्यूजिक भी है, ये बहुत ही कातिलाने म्यूजिक है, दिल को छूने वाला, किसी ने सिखाया होगा पता नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूं, कॉर्ड के साथ और लीडिंग के साथ। आप चाहे तो किसी और इंस्ट्रूमेंट पे इसको प्ले भी कर सकते हैं। ये बड़ा प्यारा लग रहा है, इसको चालू कंटिन्यू करते। रे ग म ग रे ग ध ध प सा रे ग क रे, ये रिपीट है दो बार। अब म्यूजिक का सेकंड पार्ट, बहुत ऊंचा है, धमा ग रे सा नि ध ध नि सा नि ध प म ग सा रे ग रे सा रे ग ग रे। समझ गया कितना बढ़िया म्यूजिक था, तो आप इसको प्ले कर सकते हो। अब सेकंड अंतर अभी सेम है, तो वो भी आप वैसे के वैसे बजाओ, जैसे मेरे दहलीज से होकर हवाएं गुजरती है, वही अंतरा सेकंड भी है, ये म्यूजिक के बाद आएगा वो, ठीक है? कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा बताया था मैंने, ठीक है? और ये पूरा रिपीट है, पूरे आपको नोटेशन तो दिख ही रहा है, सेम वैसे ही बजाना है। और नेक्स्ट है, तुम आओगे, ये लाइन बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा, तुम आओगे मुझे खबर ये वाला।
बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ दोस्तों गाना खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।